बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बिल्कुल बाएं जानिब एक मशीन पड़ी है, ये बहुत ही महंगी और स्पेशल आर्टिकल है, ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। इसको इस्तेमाल करते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर ड्रिलिंग करने के लिए, तो उसी मुनासबत से इसका नाम आइस ड्रिल रखा गया है। ये काफ़ी महंगी है। इस वीडियो के आखिर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है और इसको लगाने का मकसद क्या है। ये काम करती है जिस तरह एक प्रेशर कुकर काम करता है, स्टीम जो है जनरेट करती है, तो उसके बाद उस स्टीम के ज़रिए आप जो ग्लेशियर है उसके अंदर सुराख कर सकते हैं। लेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी गहराई आपने सुराखी रखनी है, तो उसके लिए आपको पाइप भी उस लेंथ का रखना होगा। इसके अंदर एक बकेट है और बकेट के साथ एक जिस तरह गाड़ी का होता है रेडिएटर, उस तरह की शेप का एक सिलेंडर टाइप इसका ढक्कन है। और इसके अलावा इसके ऊपर एक जो प्रेशर गेज है वो भी लगी हुई है। ये चलती है LPG के ऊपर, क्योंकि रिमोट एरियाज में जो सिलेंडर वगैरह हैं वही अवेलेबल होते हैं, तो इसके अंदर जो नोज़ल लगी है वो कंपेटेबल है LPG के साथ। और इसका जो रेगुलेटर है वो एक आम रेगुलेटर नहीं है, स्पेशल रेगुलेटर है, ताकि कम वक्त में ज़्यादा सप्लाई मुहैया करे, ताकि जल्द अज जल्द छोटे मतलब कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम बना सकें। क्योंकि जो ग्लेशियर के अंदर आप ड्रिल करते हैं या सुराख करते हैं, तो अगर आप उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो वो दोबारा बंद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो प्रेशर का है वो माइनस में होता है। तो इसके भी जो मुख्तलिफ हिस्से हैं पहले आपको वो दिखाऊंगा, और उसके बाद इसका एक एक्सपेरिमेंट जो हम ग्लेशियर पर करते हैं वो भी दिखाऊंगा। स्नो ड्रिल भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये इसकी शेप है, इसके बाहर एक शील्ड लगेगी ताकि इसके अंदर जो बर्नर लगा हुआ है उसके ऊपर डायरेक्ट जो हवा है उसको मुतासर ना करे। इसके अलावा ये एक इसके ऊपर प्रेशर गेज लगी हुई है जो 0 bar से लेकर 2.5 bar के दरमियान प्रेशर दिखाती है। इसके अलावा ये एक बकेट है, और ये एक एक्स्ट्रा बकेट है जिसके अंदर आप पानी डालते हैं, अगर पानी ज़रूरत हो तो यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसके अलावा इसके साथ एक लाइटर भी है, इलेक्ट्रिक लाइटर, इसके अंदर सेल डालते हैं तो ये स्पार्क देता है और आग लग जाती है। ये एक मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल इक्विपमेंट है, तो इसको ग्लेशियर पर उठाने के लिए इसके साथ जो बैग है और जो हुक्स हैं वो भी दी गई हैं। इसके अलावा ये रेडिएटर है, इसका ढक्कन है, ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साथ ही जो है वो बॉल भी है। इसके अलावा इसके इस साइड पे यहाँ पर एक केस है जिसके अंदर तमाम जो नोज़ल हैं और जो पैचिंग है, जो अगर दो पाइप हैं, तीन पाइप हैं, तो एक्सटेंशन है, उनको जोड़ना है आपने, तो उनको जोड़ने के लिए इसमें एक्सटेंडर भी पड़े हुए हैं। दो नोजल्स हैं और साथ ये एक्सटेंडर है। हमारे पास तीन पाइप हैं और हर पाइप की लेंथ तकरीबन 7 meter है, तो ये इसमें दो हैं और ये दो नोज़ल भी हैं, ताकि अगर सुराख का आपने साइज चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसका यहाँ पर ढक्कन है, ये खोलेंगे तो इसके अंदर आपको एक बर्नर नज़र आएगा, यहाँ पर आग लगाते हैं, तो इसको हमेशा कवर रखा जाता है ताकि इसके ऊपर जो डायरेक्ट हवा है वो असर ना करे। LPG लगाने के लिए यहाँ पर नीचे नोज़ल दी गई है, यहाँ पर आप LPG सिलेंडर लगाएंगे, और ये जो ऊपर इसका एक प्लेट लगी है, ये प्लेट होती है जहाँ पर आइस रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। अगर आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है ग्लेशियर के ऊपर, तो उस आइस को आप मेल्ट करके इस जगह यहाँ रखते हैं और यहाँ पानी बन जाता है, फिर उसी पानी को आप दोबारा इस रेडिएटर के अंदर डाल के तो इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पर हम करेंगे स्टेक एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर करेंगे ड्रिल आइस के अंदर। भाई के पास है ये आइस ड्रिल, तो इसको जो यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। Thank you.